एक्स प्लस बी का वैल्यू टी, एफ एक्स का डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब चेन रूल से इसको फिर से डिफरेंशिएट होगा इनटू ए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा, इसका डी एक्स हम इधर लिख देते हैं और डी टी को हम एक्स और टी को अलग अलग दिखाना चाह रहे हैं। यहां से हमें मिल जाता है कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स 1 बाई ए डी टी ऐसा मिल जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन में एफ ए एक्स प्लस बी की जगह टी डालते हैं तो ये वाला पार्ट आपका टी टू पावर एन आ जाता है, इतना पार्ट ये टी टू पावर एन आ गया, ये डी एक्स और एफ डैश ए एक्स प्लस बी ये मिला के 1 बाई ए डी टी बन गया, देख पा रहे। तो फाइन 1 बाई ए डी टी था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको हम आई को टी में चेंज कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रल टी टू पावर एन और ये 1 बाई ए बाहर कर देते हैं, कॉन्स्टेंट है 1 बाई ए डी टी, और जिसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी टू 1 बाई ए टी टू पावर n+1 / n+1 + c। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, लिखेंगे n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि जब n -1 होगा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हम देखते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है, आई इज इक्वल टू टी को रिटेन करके 1 बाई ए एन प्लस 1 हमने बाहर कर दिया और टी का वैल्यू रिटेन किया, तो टी तो था एफ ए एक्स प्लस बी और इस पूरे का पावर n+1 + c, ये हमारा आंसर आता है जब टी का वैल्यू सॉरी एन का वैल्यू -1 नहीं है। तो एन के वैल्यू -1 होने पे क्या होगा वो भी हम केस डिस्कस कर लेते हैं। इफ एन इक्वल टू -1 तो आपका जो इंटीग्रल आ जाएगा, सारी चीजें वैसी चलेंगी, तो जो इंटीग्रल आ जाएगा आपका टी टू पावर -1 dt आएगा, बाहर 1 बाई ए रहेगा, 1 बाई ए टी टू पावर -1 1 बाई ए इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी, जो कि हो गया लॉग ए लॉग टी 1 बाई ए लॉग मॉड टी प्लस सी, टी को रिटेन कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाता है 1 बाई ए लॉग एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी